हेलो गाइस, मैं योगेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूँ फेयर इंग्लिश क्लासेस में। और आज मैं आपको द लास्ट लेसन जो है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, क्या पूछा गया है कि उस दिन फ्रेंच को स्कूल के लिए किस चीज़ के लिए तैयार रहना था। तो आंसर है इसका कि दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स, कि उस दिन फ्रेंच को पार्टिसिपल्स के साथ तैयार होकर के जाना था। बिकॉज क्योंकि एम हेमल हैड सेड, एम हेमल ने ऐसा कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो पार्टिसिपल्स के बारे में उनसे प्रश्न करेंगे। फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, जबकि फ्रेंच पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, कि उस दिन फ्रेंच को स्कूल के बारे में ऐसा अनयूजुअल, ऐसा क्या लग रहा था जो यूजुअल नहीं था, जो प्राय नहीं होता था, तो उसको क्या लगा। तो इसका आंसर है, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, प्राय जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज ए ग्रेट बसल, तो भारी शोरगुल हुआ करता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको बाहर गली में भी सुना जा सकता था। बट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल दैट डे, लेकिन उस दिन बड़ी शांति थी। एवरी थिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सब कुछ इस तरह से शांत था जैसे कि संडे की मॉर्निंग को हुआ करता था। देयर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ना तो डेस्क का खोला जाना ना उनका बंद किया जाना सुनाई पड़ रहा था। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, उसके जो साथी थे पहले से अपने अपनी जगह पर बैठे हुए थे। द टीचर्स ग्रेट रूलर इंस्टीड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक का जो रूलर था, कहने का मतलब जो उसका डंडा होता था टेबल पर खड़खड़ाने की बजाय, वाज अंडर एम हेमल्स आर्म, एम हेमल की आर्म के नीचे था, वहाँ के नीचे लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था। तो इसका आंसर है, फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, पिछले दो वर्षों से जो सारे बुरे समाचार हुआ करते थे वो बुलेटिन बोर्ड पर ही लगाए जाते थे। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, तो जर्मन से, बर्लिन से एक ऑर्डर आया था कि एल्सेस और लॉरेन के जो स्कूल्स हैं उनमें केवल अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, तो जर्मनी वालों ने इस बात को, इस सूचना को बुलेटिन बोर्ड पर लगाया था। नाउ वी सी द क्वेश्चंस फ्रॉम थिंक एज यू रीड। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, बर्लिन से आए आदेश के कारण स्कूल में क्या बदलाव आ गए थे। तो क्या है उसका आंसर, एम हेमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, एम हेमल ने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी थी, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उसका हरा भरा सुंदर कोट था, हिज फ्रिल्ड शर्ट, झालरदार शर्ट पहनी थी उसने, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और सिल्क की रेशम की उसने छोटी काली कैप लगा रखी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो सारी कढ़ाई हुई थी। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, पूरा स्कूल बहुत ही अद्भुत और शांत दिखाई पड़ रहा था। ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, बैक बेंचेज जो थी जो सदैव खाली रहा करती थी, द एल्डरली विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स, तो जो बड़े गांव के लोग थे, गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो वहां पर उस तरह से बैठे थे जैसे कि छोटे बच्चे शांति से बैठे रहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो पर, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, तो फ्रेंच की एम हेमल और स्कूल के बदलाव के बारे में क्या भावनाएँ थीं। तो फ्रेंच की क्या भावनाएं थी, देखिए इसका आंसर, फ्रेंच केम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट मिस्टर एम हेमल वुड गिव देम, फ्रेंच को इस बात का पता चल गया था, ये ज्ञात हो गया था उसे कि जो एम हेमल उनको आज लेसन देने जा रहे हैं फ्रेंच का वो लास्ट लेसन है। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से, दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, उनको केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली, तब उसे अपने लेसन्स को, अपने पाठों को अच्छी तरीके से न पढ़ने के लिए दुख हो रहा था कि उसने अच्छी तरीके से नहीं पढ़े थे। हिज बुक्स विच सीम्ड ए न्यूसेंस एंड ए बर्डन अर्लियर वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स, उसकी जो किताबें जो पहले उसे एक समस्या और वजन लगती थी, अपने ऊपर बोझ लगती थी, अब उसे अपनी
पुराने मित्र की तरह प्रतीत हो रही हैं। हिज फीलिंग्स अबाउट एम हेमल ऑल्सो चेंज्ड, एम हेमल के बारे में भी उसकी फीलिंग्स बदल गई, उसकी भावनाएं बदल गईं। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर, वह उसके रूलर के अर्थात डंडे के बारे में सब कुछ भूल गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और कितना एम हेमल सनकी थे, उस सब के बारे में वो भूल गया। नाउ द क्वेश्चंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर वन, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। तो कहानी में लोग अचानक यह एहसास करते हैं कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी मूल्यवान है। वाट शोज यू दिस, ये आपको क्या दिखाता है? वाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? तो आंसर है इसका, एम हेमल टोल्ड द स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स दैट हैंस फोर्थ ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। तो एम हेमल ने स्टूडेंट्स को और विलेजर्स को सबको ये बताया कि अब आगे से एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। दोज हु कॉल्ड देमसेल्व्स फ्रेंचमैन वुड नाइदर बी एबल टू स्पीक नॉर राइट इट। तो वे लोग जो अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हैं, फ्रेंच कहलाते हैं, वो ना तो फ्रेंच बोलने के काबिल रहेंगे और ना ही लिखने के। ही प्रेस्ड फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटिफुल द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो एम हेमल ने ये बताया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे सुंदरतम, सबसे स्पष्ट और सबसे तर्कसंगत भाषा है। ही सैड दैट फॉर द एनस्लेव्ड पीपल, और उसने ये भी कहा कि उन गुलामों के लिए जो वो गुलाम लोग हैं, देयर लैंग्वेज वाज द की टू देयर प्रिजन, उनकी जो लैंग्वेज है वही उनकी जो कैद खाना है उसकी चाबी रहेगी। देन द पीपल रियलाइज हाउ प्रेसियस देयर लैंग्वेज वाज टू देम। तब लोगों को यह एहसास हुआ कि उनकी जो लैंग्वेज है उनके लिए कितनी बहुमूल्य थी। दिस सोच पीपुल्स लव फॉर देयर ओन कल्चर ट्रेडिशंस एंड कंट्री, और यह लोगों का प्रेम अपनी संस्कृति के लिए, अपनी परंपराओं के लिए और अपने देश के लिए दर्शाता है। प्राइड इन वंस लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स प्राइड इन द मदरलैंड, कि लैंग्वेज में, भाषा में, भाषा का गर्व मातृभाषा के गर्व को रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।